531 कच्ची कॉलोनियां हैं। 10 साल पहले तक इन कच्ची कॉलोनियों का बहुत बुरा हाल होता था। यहाँ पर नेता वोट मांगने तो जाते थे, पर जब सरकार बनती थी तो ना वहाँ पे सड़क दी जाती थी, ना सीवर की लाइन डाली जाती थी, ना पानी की लाइन डाली जाती थी, ना नालियाँ बनाई जाती थी। लेकिन पिछले 10 साल से, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को हर संभव सहूलियत देने का काम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हुआ। चाहे सड़कें बननी हो, चाहे पानी की लाइन डलनी हो, सीवर की लाइन डलनी हो, और काफी विकास पिछले 10 साल में कच्ची कॉलोनियों में हुआ। कच्ची कॉलोनियों में रहने वालों की जिंदगी में बहुत सहूलियत आई। लेकिन पिछले 1 साल से कच्ची कॉलोनी में रहने वाले दिल्ली के लोग एक बिजली के कनेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, उनकी डीडीए ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को तभी बिजली का कनेक्शन मिलेगा जब वो डीडीए से एनओसी लेके आते हैं, जब वो डीडीए से ये लिखित में लेके आते हैं कि ये एरिया लैंड पूलिंग की जमीन में नहीं आता। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 1 साल से दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग जब बिजली के मीटर के लिए अप्लाई करें तो उन्हें दर दर भटकना पड़ता, एनओसी के लिए भागना पड़ता, और बिजली का मीटर लेने के लिए, एनओसी लेने के लिए जगह जगह रिश्वत देनी पड़ रही थी। मेरे पास बतौर पावर मिनिस्टर और फिर बतौर मुख्यमंत्री कई लोग आए अपनी शिकायतें लेके, स्वरूप विहार एक्सटेंशन से, वेस्ट कमल विहार से, मोहन गार्डन, विपिन गार्डन, नवादा एक्सटेंशन से, और दिल्ली की कई और कच्ची कॉलोनियों से लोग आए जिन्होंने अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी। मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि कच्ची कॉलोनियों में, जो 1731 कच्ची कॉलोनियां हैं, उनमें बिजली का मीटर लगवाने के लिए किसी भी प्रकार के एनओसी की जरूरत नहीं होगी। यानी अगर कोई भी इन 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहता है, वो बिजली के मीटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उनको 15 दिन का जो समय होता है, जो डिस्कॉम्स को दिया गया है, उसमें बिजली के मीटर मिलेंगे। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की डीडीए ने कितनी कोशिश कर ली दिल्ली के कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को परेशान करने की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार किसी भी कच्ची कॉलोनी में रहने वाले को परेशान नहीं होने देगी। डिस्कॉम्स को आदेश दे दिए गए हैं कि अब कच्ची कॉलोनियों में मीटर लगाने के लिए किसी भी प्रकार की एनओसी की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। क्या एनओसी क्या था, मतलब किस तरह के एनओसी की जरूरत थी? डीडीए ने यह आदेश निकाला था कि एनओसी चाहिए होगा ये बताने के लिए कि ये एरिया डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी में नहीं आता। लेकिन ये भी बिल्कुल स्पष्ट है, जो भी हमारे देश को जानता है, सरकारी अफसरों को जानता है, कि एनओसी का मतलब दर दर भटकना, अलग अलग टेबल पर रिश्वत देना, और यही कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ हो रहा था। जो रिश्वत दे रहा था उसको बिजली का कनेक्शन, उसको एनओसी मिल रहा था जिसके कारण उसे बिजली का कनेक्शन मिल रहा था। जो रिश्वत नहीं दे रहा था उसको एनओसी नहीं मिलता था, और उस वजह से बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा था। इसलिए दिल्ली सरकार ने डिस्कॉम्स को ये क्लियर कट आदेश दे दिए हैं कि किसी भी प्रकार के एनओसी की जरूरत नहीं होगी। अब कच्ची कॉलोनी में रहने वाले
आराम से सहूलियत से बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं। महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव अनाउंस हो चुके, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी क्या इन राज्यों में? अभी इस पे फैसला नहीं हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड में आम आदमी पार्टी का संगठन अभी अर्ली स्टेजेस पे है, पर पार्टी की